हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि अभी मैं हूँ पिंक सिटी जयपुर में और यहाँ से हम जा रहे हैं हैदराबाद। तो अभी मैं हूँ अपने होटल के रूम में और हमारी 11 बजे की फ्लाइट है, तो मैं अभी यहाँ से निकलूंगा। बाई फ्लाइट होते हुए हम हैदराबाद पहुँचेंगे 1:50 पर। और हम हैदराबाद क्यों जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हैदराबाद में है विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, तो उसी को एक्सप्लोर करने के लिए हम जा रहे हैं और आपको भी एक्सप्लोर करवाएंगे, एक एक चीजें सारी चीजें बताएंगे। वहाँ पे बाहुबली का पूरा सेट है, मैंने वहाँ पे रिसर्च में पता किया था, कॉल किया था, तो वो बता रहे हैं पुष्पा 2 की शूटिंग भी वहीं पे चल रही है, तो वो शूटिंग लोकेशन भी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद वहाँ पे RRR भी शूट हुई थी, बॉलीवुड की जो सबसे पहली मूवी वहाँ पे शूट हुई थी वो थी बोल बच्चन। और उसके बाद पता नहीं न जाने हजारों फिल्में वहाँ पे शूट हुई हैं, 200 एकड़ में फैली हुई है। तो बस ज़्यादा देरी ना करते हुए एक थोड़ा सा रूम देख लो पिंक सिटी का होटल का, ठीक ठाक सर हूँ, हमें सही रेट मिल गया था तो हमने ले लिया था। तो मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से, अभी 9:30 बज गए हैं, तो नीचे कैब की हुई है, कैब आ जाती है, फिर निकलता हूँ मैं सीधा एयरपोर्ट। और आपको दिखाता हूँ कि एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास कैसे करते हैं, एंट्री सिक्योरिटी चेक और सारी चीज़ें, कौन सी फ्लाइट एयर एशिया की फ़्लाइट है, तो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा रास्ते में, एक चीज़ें आपको एक्सप्लोर करवाते हुए लेके चलेंगे। तो दोस्तों, अभी निकल लें एयरपोर्ट के लिए, बाकी टाइम से ही निकल लिए क्योंकि बोर्डिंग में भी 1.5 घंटा लगता है, तो उससे पहले हमें तो 1.5 घंटे पहले निकल लिया। ऑलमोस्ट 20 मिनट में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट, तो वहीं से आके सारी चीज़ दिखाएंगे आपको, रामोजी फिल्म सिटी दिखाएंगे यार पूरी, जहाँ पे पुष्पा 2 का शूट हो रहा है, बाहुबली का सेट है और भी ना जाने कितनी हज़ारों फिल्में शूट हुई है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो यार, आप भी बने रहिए वीडियो में, आप भी देखिए रामोजी फिल्म सिटी का। आज हम पहुँच जाएंगे हमारे होटल पर और अभी तो फिलहाल हम पहुँच रहे हैं एयरपोर्ट पर, तो आप भी हमारे साथ एन्जॉय कीजिए। तो अभी पहुंच गए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे, मिलते हैं आपसे सीधा। तो भाई अभी हमारी हो रही है लगेज देंगे यहाँ पे और यहाँ पे चेक इन होएगा, उसके बाद सिक्योरिटी चेक, फिर मिलते हैं आपको सीधा, क्योंकि सिक्योरिटी चेक पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, सिक्योरिटी चेक इन डन हो गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये कि हमारी है ना जो 1.5 घंटे फ्लाइट लेट हो गई। अब पहले 1.5 घंटे पहले हमने चेक इन कर लिया, 1.5 घंटे फ्लाइट लेट हुई, तो उसका भी बैठे रहो, इंतजार करो, बाकी सारे लोग बैठे हैं, राकेश भाई हैं, मित्र जी हैं, फूड ब्लॉगर सुमन स्वामी फ्रॉम लुधियाना, सुनील भाई, इट्स माई फर्स्ट जर्नी फ्लाइट, जिंदगी की वैसे पहली जर्नी फ्लाइट की, फ्लाइट की। तो भाई करते हैं वेट, ऊपर जाएंगे अभी लॉन्ज वॉन्ज में, वहाँ पे टाइम पास करेंगे थोड़ा सा, कुछ खरीदेंगे, खरीदेंगे तो क्या बहुत महंगा भाई, टाइम पास ही करेंगे, देखते हैं कोई क्रेडिट कार्ड से लॉन्ज फिर मिल जाए तो वो करेंगे, नहीं फिर जाएंगे इसी तरह। हम जी तो दोस्तों अभी है ना हम सेकंड फ्लोर पे आए थे एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ पता क्या देखी हमने नीचे, क्या अडानी ऐप जो अभी लॉन्च हुई है ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो ऊपर आए तो भैया बोले है ना, यहाँ पे वैसे तो सब कुछ महंगा, लेकिन भैया बोले कि तुमको है ना मिल्क शेक पिलाता हूँ। मैंने यार भैया बहुत महंगा, यहाँ बोले फ्री में, तो आप जब भी एयरपोर्ट आओ ना तो यहाँ पे अडानी ग्रुप पे वो रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद आप यहाँ पे मिल्क शेक फ्री में पी सकते हो, एक नंबर से दो तीन हो तो दो तीन रजिस्टर्ड कर करके। तो ये जानकारी देनी थी, बाकी वेट करने अभी 2 घंटे हो रहे हैं, तो उसका करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे सीधा फ्लाइट में। सब आ रहे हैं मजे, मजे राकेश भाई, मजे आ रहे हैं, शुभम बहुत ज़्यादा मजे, तू रहने दे सुनील भाई आ रहे मजे, वेरी गुड, आप तो बता दे, ये यही काम है आपके, थैंक यू। अडानी पे पियो जूस फ्री, यार सर आपको देख लो 10 जूस पी गए फ्री के, इसको फ्री का दे दो भाई, बहुत मजा है यहाँ पे। भाई हमारी फ्लाइट तो आ नहीं रही, ये बोल रहे हैं आएगी आएगी आएगी, लेकिन अभी दूसरों की फ्लाइट देख के काम चला रहे हैं। तो आप सामने देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा रश रहता है, क्योंकि तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जयपुर भी, जब भी आए ना तो अंदर से बहुत शानदार, सॉरी एयरपोर्ट है, तो आप यहाँ पे टाइम पास करेंगे तो हो जाएगा इजीली, बढ़िया मज़े हैं, आराम से बैठ कर टाइम पास किए कीजिए, फ्लाइटें देखिए उड़ती, रनवे पे उतरती, पैसेंजर आ रहे हैं जा रहे हैं, सारे देखो सामने एक फ्लाइट लग रही है, शायद ये भुवनेश्वरम जा रही है, भुवनेश्वरम का ही बोर्ड लगा है, बाकी अभी हम बोल रहे हैं बोर्डिंग, देखो कितनी भीड़ लग रही है सामने यार, 2 घंटे फ्लाइट लेट करेंगे तो यही हाल होएगा ना इसके लिए, इसके बाद फिर हम जाएंगे फ्लाइट में, तो देखो भीड़ कितनी है, चलो मिलते हैं आगे। 4 घंटे मेहनत करने के बाद फाइनली अब बोर्ड एंट्री हुई है, और अभी पता नहीं टाइम और लग जाए, एयर एशिया वालों का भरोसा नहीं है भाई, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, क्योंकि हमारी फ़्लाइट से करीबन अप्रोक्स कमल कितने 2.5 घंटे लेट है,
तो फाइनली हम अंदर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नीचे अंदर भाई फ्लाइट में बैठने। और अभी विश्वास नहीं है कितने देर में डाला, अभी आधे घंटे का बोल रहे हैं, बोर हो गए बहुत ज़्यादा। बाकी अब जा रहे हैं अंदर नीचे फ्लाइट में, अभी तो बस में और ले जाएंगे। तो चलो भाई मिलते हैं सीधा फ्लाइट में आपका। तो भाई फिलहाल बस में बैठ लिए हैं, बस में बैठ के जा रहे हैं, हमें ये अपने एरोप्लेन तक छोड़ेंगे, उसके बाद हम अपने बैठ के हैदराबाद निकल जाएंगे। तो अभी ये बस में लेके जाते हैं, इनकी एयर एशिया वालों की तो खुद की बस भी नहीं है, पता नहीं भाड़े पे लेते हैं। सामने वो खड़ा है हमारा सेकंड नंबर वाला airasia.com का विमान। तो जब भी भाई साहब कोई ट्रेन वो सॉरी फ्लाइट जर्नी करो ना, तो आप ये एयर एशिया से बुक मत करवाना, इंडिगो स्पाइस जेट या एयर इंडिया भी चलेगा लेकिन एयर एशिया से मत करवाना, दो दो घंटे फ्लाइट भी लेट है यार, बताओ हमारा तो पूरा समय बर्बाद का पूरा शेड्यूल ख़राब कर दिया इन्होंने। चलो फिर भी कोई नहीं, देर आए अंधेर आए आ गई, तो मिलते हैं आपसे फिर फ्लाइट में भाई फोटो खिंचवाया तो नहीं सोचा जल्दी कैसे बैठे दो घंटे लेट हैं। चलो देख लो सामने इतना बड़ा ये एरोप्लेन होता है भाई, जाते हम बोलते हैं बस ये हमारे वाला है, तो अभी करेंगे ऊपर चेकिंग एक बार फिर यहाँ किसी को मिलते हैं। इसी में वीडियो में ले ले तू इसको साथ में, नहीं नहीं हमें तो वही फ्लाइट में बैठ गए हैं। वैसे तो कुछ बोल नहीं रहा मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन बाद में आवाज़ रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ आपको। फ़्लाइट वैसे तो अच्छी है अंदर से एयर एशिया भी, लेकिन इनका तो शेड्यूलिंग और ये जो भाई दो घंटे जो बैठे ना उसमें किसी ने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं किया कि क्या करना है क्या नहीं करना, सारी चीज़ें ऐसे ही बस भगवान भरोसे चल रहा था। तो अब हम करते हैं टेक ऑफ के लिए, तो देखो हमारा प्लेन चल दिया है और ये भी तो क्या रनवे पे उड़ रहा है धीरे धीरे, बाकी एकदम से जब टेक ऑफ होगा ना तो बहुत भयंकर चलेगा ये, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप बने रहिए वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट कर दें दोस्तों। अभी ये रनवे के लिए जा रहा है, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जब ये टेक ऑफ करता है ना तो बहुत भयंकर उड़ता है भाई, बहुत ही भयंकर, मतलब इसमें देख लो डर लगने लग जाता है। अब ये हमारा प्लेन चल दिया रनवे पे, अब देखना आप इसकी स्पीड बैठ के, बहुत भयंकर स्पीड से चल रहा है भाई ये, और अभी करेगा ये टेक ऑफ थोड़ी देर में। इसकी स्पीड है ना रनवे से होते हुए 350 किलोमीटर के आसपास स्पीड इसकी भाई साहब, क्या मतलब ऐसे जैसे कि वो गुदगुदी नहीं होती पेट में, जैसे टेक ऑफ करता है ना वो गुदगुदी होने लग जाती है, इसकी स्पीड देख के डरने लगने लग जाता है। चलो कोई नहीं, फिर भी आप देखिए टेक ऑफ का पूरा मज़ा लीजिए, ज़्यादा आपको वेट नहीं करवाएंगे, बस उड़ने वाला ही है, जैसे उड़ेगा ना देखो अब उड़ने वाला है, बस देखते रहो ये करने वाला है ऊपर और ये उड़ गए हम हवा में, आज हम ऊपर और आसमान नीचे, बिल्डिंगें छोटी छोटी दिखने लग गई, बाकी अभी तो कुछ दिखेगा ही नहीं आगे तो। और आज हम पहुंच जाएंगे हमारे होटल, शाम को एक अवार्ड सेरेमनी है, उसके बाद फिर हम कल जाएंगे रामोजी फिल्म सिटी। बाकी देखिए छोटी छोटी बिल्डिंगें दिखने लग गई, जो पिंक सिटी की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी ना वो भी बहुत छोटी छोटी दिखने लग गई। चलो देखते रहो आप भी, मजे लो हमारे साथ वर्चुअली। जिस भाई का सपना होगा वो लाइक कर देना कि एयरपोर्ट प्लेन में बैठना है तो वो भाई लाइक कर देना। तो चलो आप देखो अब सीधा आगे, यह भाई खाने के लिए एक जूस है, एक पानी की बोतल है और इसमें शायद उपमा है, तो ये सारी चीज़ें हमने खाने के लिए ली है, खाएंगे फिर बताएंगे आपको भी कैसा लगा। चलो खाते हैं पहले फिर बताते हैं आप। और बहुत टाइम के बाद यार ये बस एरोप्लेन का शौक इतना ही होता है कि वो टेक ऑफ करे, उसके बाद तो देखो धीरे धीरे शांति से बैठ जाओगे आप, सो उसके अलावा कोई काम ही नहीं बच रहा, सो जाओ बैठ जाओ फिर सो जाओ फिर बैठ जाओ, मेरी तरह ऊपर नीचे कर लो कैम देखो, बोलने में तो थोड़ा अजीब लगता है। तो चलो मिलते हैं आप सीधा। तो दोस्तों जब पहुँचे हैं हैदराबाद एयरपोर्ट पे, हमारे 2 बजे पहुँचना था कहाँ 4:30 अभी यहाँ होटल जाने के लिए कम से कम 1.5 घंटा बोल के चलो आप, इतना टाइम बहुत लगने वाला है। चलो आपसे मिलेंगे यार अब सीधा, बाहर जहाँ लगेज मिलता है वहीं पे लेते हैं लगेज और मिलते हैं आपसे सीधा। तो भाइयों हम लगेज काउंटर पे आ गए, हमें बताया गया कि 8 नंबर पे हमारा बैग आएगा, तो बैग लेते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे सीधा टैक्सी में, ज़्यादा वेट ना करते हुए।
ये क्या ये पागल हो गया फ्लाइट देखते ही, ये वापस बेंगलोर जाएगी फ्लाइट। तो दोस्तों अभी पहुंच गए फाइनली हैदराबाद, फ्लाइट तो 3-4 घंटे डिले थी पर पहुंच गए। तो अभी भैया मिले जो कैब से हमें छोड़ेंगे होटल, यहां से अराउंड बता रहे हैं मेरा 30 से 35 मिनट का रास्ता है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, इसको व्लॉग को यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे एक गोजू भी बैठा है।